चलो जीविका उठ जाओ, क्लास जाना है हमको। मुझे नहीं जाना। नहीं जाना? ठीक है मत जाओ। सर को इन्फॉर्म कर दो कि मैं नहीं आ रही। ठीक है। हेलो, हाँ प्रितपाल सर, मैं जीविका का चाचू बोल रहा हूँ। आज उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो क्लास नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आज मैं भी काम पर नहीं जाएगा। आज पूरा दिन हम लोग क्या करेंगे फिर? ठीक है, तो मुझे अपने बॉस को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो भी चलाएगा मेरे को। तो बॉस को मैं झूठ क्या बोलूँ? ठीक है, आ गया आ गया। हेलो, हाँ सर, हमारे यहाँ पे ना बाजू में कोई तो थोड़ा बीमार हो गया, तो थोड़ा इमरजेंसी ऐसा हो गया, तो मुझे जाना पड़ रहा है उनको हॉस्पिटल में लेके, तो इसलिए सॉरी आज मैं काम को नहीं आ पा रहा। मज़ा आया ना झूठ बोल के? तो अभी हम एक स्टोरी सुनते हैं। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ाता हूँ तुमको। ये स्टोरी एक गांव की है जहाँ पे एक शेपर्ड बॉय रहता था। शेपर्ड बॉय का काम क्या था? जो उसके शिप थे उसको वो घुमाने का काम था उसका। तो एक दिन उसको बोर हो रहा था, तो उसने सोचा कि मैं कुछ मजा करूँ यहाँ पे, कुछ ऐसे टाइम पास करूँ। तो उसके दिमाग में आया, उसने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया, बचाओ बचाओ शेर आया शेर आया। तो ये आवाज़ सुन के जो आसपास के गांव वाले थे वो उसको बचाने के लिए आए, लेकिन जब वो वहाँ पे आके देखते हैं तो वहाँ पे कोई शेर नहीं होता। तो गांव वाले उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। उसको समझाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो उस बात को समझता नहीं है। फिर कुछ दिन बाद वापस वो यही करता है। क्या करता है वो हेमा? बचाओ बचाओ शेर आया शेर आया। ठीक है, तो ये बात सुन के वापस सारे गांव वाले उसके पास आते हैं उसको बचाने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि हाँ सच में शेर आ गया इस बार। तो जब वो वहां पे आके देखते हैं तो इस बार भी कोई शेर वहां पे नहीं होता। तो सारे गांव वाले गुस्से हो जाते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये तो लड़का झूठी बोल रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो वो सब उससे नाराज होके फिर भी उसको कुछ समझा के जाते कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसको इस बात का कोई असर नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि सच में वहां पे शेर आ जाता है। तो वापस वो चिल्लाता है, जब सच में शेर आ गया तो वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ शेर आ गया सच में शेर आ गया, ऐसे भी वो चिल्लाता है। तो गांव वाले सुनते हैं उसकी आवाज, वो सोचते हैं कि यार ये इस बार भी झूठ बोल रहा होगा, अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये मजाक उड़ा रहा है हमारा। लेकिन सच में शेर आता है उस टाइम पे, और शेर उसके सारे शिप का शिकार कर देता है, और शेपर्ड बॉय का बहुत नुकसान हो जाता है उसमें। समझे स्टोरी? Yes. तो इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है क्षितिज? हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम घड़ी घड़ी झूठ बोलेंगे तो जब हम सच बोलेंगे तो हमारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। समझे? क्या हो गया जीविका, तुम क्या सोच रही हो? ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि तुमको समझ गया कि सच बोलना चाहिए। मैं अभी तुम्हारे चाचू से बात करता हूँ और उनको भी समझाता हूँ इस चीज को। हेलो जीविका के चाचू, हेलो, हाँ सर मैं जीविका का चाचा बोल रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, आइंदा से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ओके सर। तो इस वीडियो से हमको क्या सीखने मिला कि जिस तरह शेपर्ड बॉय जो बार बार झूठ बोल रहा था, उसके लिए झूठ एक जोक के समान था, लेकिन उसको इस झूठ का एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि गाँव वालों ने उस पर भरोसा करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उसे काफ़ी नुकसान हुआ। तो यही चीज़ जब हम बच्चे के जो घर पे बड़े लोग होते हैं, जो उनके पेरेंट्स लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं, कितना अगर वो कुछ झूठ बोल रहे हैं बच्चों के सामने, और अगर बच्चों को झूठ बोलने में सपोर्ट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली बच्चों के अंदर वो झूठ बोलने का डर चला जाएगा और उनको ऐसा लगने लगेगा कि झूठ बोलना एकदम नॉर्मल बात है, और यही चीज़ बच्चों को आगे जाके फ्यूचर में तकलीफ दे सकती है। तो हमको यही सीखने मिला कि झूठ बोलने से भरोसा टूटता है
और सच बोलने से भरोसा बढ़ता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लिए सब चीज़ फ्री है, आपके ये सब चीज़ करने से हमारे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।